वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज हम कवर करने जा रहे हैं जनवरी का कंप्लीट डिफेंस अफेयर्स, जो अगर आप एफकैट के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीडीएस के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एनडीए के लिए, आईनेट के लिए, या डीएस या किसी और एंट्री के थ्रू अगर आप डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, चाहे आप उसका इंटरव्यू फेस करें या कोई रिटन एग्जामिनेशन फेस करें, डिफेंस रिलेटेड न्यूज अपडेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मोटिव के साथ मैंने कंप्लीट डिफेंस अफेयर्स जो जनवरी के हैं 2020, एक क्विक रिविजन आपका हो जाएगा और ये मैंने तैयार किया है। साथ ही यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है वंस यू आर देयर इन द इंटरव्यू, या फिर रिटन एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन जो है इन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आप स्किप ना करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूज जो जनवरी में आई थी वो ये थी कि जनरल बिपिन रावत ने एक प्रपोजल दिया था फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कमांड दैट इज एयर डिफेंस कमांड। यानी जनरल बिपिन रावत जो सीडीएस है फिलहाल, उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि एयर डिफेंस कमांड को क्रिएट करना चाहिए। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी ब्रांचेस हैं उनको कहा कि दे शुड कम अप विद रिकमेंडेशंस फॉर इंटर सर्विस सिनर्जी, ठीक है, इन अ टाइम बाउंड मैनर एंड प्रिपेयर प्रपोजल टू क्रिएट डिफेंस कमांड। इस कमांड को क्रिएट करने के लिए उन्होंने तीनों सर्विसेज को इंक्लूड करा, प्लस उन्होंने कोस्ट गार्ड के भी व्यूज मांगे। तो ये था क्रिएशन ऑफ एयर डिफेंस कमांड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था करंट अफेयर्स का आपका जनवरी के लिए। एयर डिफेंस कमांड की अगर मैं बात करूं तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है, क्यों इसे क्रिएट करा गया है, और ये फर्स्ट टाइम है इंडियन डिफेंस में जबकि एयर डिफेंस कमांड को हम क्रिएट कर रहे हैं आफ्टर सीडीएस बिपिन रावत एग्जीक्यूट हुए हैं। तो एयर डिफेंस कमांड बेसिकली प्रपोज इसलिए किया गया है ताकि हम ट्राई सर्विसेज को इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है। इंटीग्रेशन के बेसिस पे इस कमांड को क्रिएट करा गया है एंड इस कमांड को बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर के थ्रू हेड किया जाएगा। वो ऑफिसर एक 3-स्टार ऑफिसर होगा एंड इस कमांड से बेसिकली हम जो एयर डिफेंस ऑपरेशंस है इंडियन मिलिट्री में उसको बेसिकली हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। सो एयर डिफेंस कमांड का क्रिएट करने का ये पर्पज होगा कि जितने भी आपके एयर डिफेंस रिलेटेड ऑपरेशन होंगे ये कमांड जो है उनको ये हेड करेगा। ऑलराइट, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है आपको कि एयर डिफेंस कमांड जब भी क्रिएट होगी, फिलहाल तो ये प्रपोज किया गया और अभी ये इन प्रोसेस है, तो एयर डिफेंस कमांड प्रपोज होगी, उसका हेड कौन होगा, उसे कौन हेड कर रहा है एंड उसका फंक्शन क्या है, तो ये आपसे एग्जाम्स में या इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। सेकेंड न्यूज इम्पॉर्टेंट ये थी जनवरी में कि इंडियन आर्मी ने साइन करा था MOU विद रशिया फॉर AK-203 असॉल्ट राइफल्स के लिए। एक मेमोरेंडम साइन हुआ था आर्मी, इंडियन आर्मी एंड रशिया के बीच में फॉर AK-203 असॉल्ट राइफल्स के बीच में। अब इसके डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। ये बेसिकली साइन हुआ था फॉर 7.5 लाख AK असॉल्ट राइफल्स के लिए, यानी क्वान्टिटी जो थी वो 7 लाख के आसपास थी, जिसमें से 1 लाख के आसपास राइफल्स जो है वो डायरेक्टली रशिया के थ्रू आएंगी, बाकी के 6.5 जो राइफल्स हैं वो मैन्युफैक्चर होंगी इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर में, ठीक है। यानी 1.1 लाख राइफल्स जो है उसको हम डायरेक्टली जो है इंपोर्ट करेंगे और 6.5 लाख जो रिमेनिंग राइफल्स होंगी वो जॉइंट वेंचर से मैन्युफैक्चर होंगी इंडिया रशिया के। जो मैन्युफैक्चरर है इस राइफल का दैट इज इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL, यानी कहाँ मैन्युफैक्चर होगी, ये मैन्युफैक्चर होगी आपकी अमेठी में, एक डिस्ट्रिक्ट है कोरबा, उत्तर प्रदेश स्टेट है, ठीक है। फैक्ट्री जो है वो जॉइंट वेंचर है, यानी मैन्युफैक्चरर जो है वो जॉइंट वेंचर है, जिसमें आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आता है ऑफ इंडिया एंड रोबोस बॉन्ड एक्सपोर्ट एंड कलाश्निकोव ऑफ रशिया। तो ये फैक्ट्रीज के नाम आपको याद करना जरूरी है। उसी तरह से अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा, अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि नंबर ऑफ राइफल्स कितनी ऑर्डर की गई थी, कौन सी राइफल्स के लिए डील हुई थी, कहाँ पे इसका मैन्युफैक्चर होने वाला है एंड मैन्युफैक्चरर कौन है, तो ये क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट न्यूज थी कि 12th एडिशन ऑफ इंडो ओमन बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली कंडक्ट हुई थी इंडियन नेवी के बीच में, इंडो ओमन बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बर नाम था इसका, इसका मतलब होता है सी ब्रीज। ऑर्गेनाइज हुई थी ये आपकी गोवा में, यहाँ पे 2 ships रॉयल नेवी के ओमान के यूज हुए थे। कौन कौन से 2 ships थे वो, RNOV अल राशिद
एंड आर एन ओ वी का साफ पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज, और इंडियन नेवी की जो दो शिप्स यूज हुई थी उनमें एक थी ब्यास एक थी सुभद्रा। सो ये बेसिकली एक बाइनियल नेवल एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट हो रही है फ्रॉम 1993 से। तो ये क्वेश्चन इसमें आपको क्या पूछा जा सकता है कि नसीम अल बर्ट, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं रिटन एग्जामिनेशन में कि ये एक्सरसाइज जो है ये किसके किसके बीच में कंडक्ट होती है, या फिर इंडो ओमन के बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज को क्या नाम दिया जा सकता है। एक्सरसाइज आपका स्पेशली नेवल एंट्री में ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी शिप्स जो है वो यूज हुई थी इस एक्सरसाइज में, इंडिया की तरफ से कौन सी शिप्स थी और ओमान की तरफ से कौन सी शिप्स थी। तो मैंने आपको बताया, प्लस ये भी बता दिया कि ये एक्सरसाइज कब से कंडक्ट हो रही है। तो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज थी जनवरी में, डीआरडीओ'स नेवल वेरियंट ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मेक इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल लैंडिंग। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एक नेवल वेरिएंट है इंडिजीनियस एलसीए, इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है। कहाँ पे लैंडिंग हुई है? लैंडिंग हुई है आईएनएस विक्रमादित्य में, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। ये जो नेवल वेरिएंट है इंडिजीनियस यानी इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है, तो ये दैट इज बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। एंड इसके डेवलपमेंट से यानी इसके सक्सेसफुल लैंडिंग से हुआ ये है कि इंडिया एंटर कर गया है इनटू द क्लब ऑफ सेलेक्टेड नेशंस जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि उनके फाइटर जेट्स जो हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे लैंड कर सकते हैं सक्सेसफुली। इससे पहले इंडिया इस क्लब में नहीं था। सो दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन डिफेंस। एलसीए क्या है? आप एलसीए इज बेसिकली स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इट्स क्लास। आपने सुना होगा एलसीए तेजस के बारे में इसी तरह से। सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है इसमें, इंडियन नेवी स्टार्ट्स फर्स्ट महानेवी कनेक्ट 2020। सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटीज जो इंडियन नेवी के थ्रू किया गया है जिसका नाम दिया गया है महानेवी कनेक्ट, ऑल्सो फर्स्ट महानेवी कनेक्ट 2020। ये क्यों हुआ है? ये हुआ है सो दैट यू कैन प्रमोट मैरिटाइम हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोस्टल सिक्योरिटी अमॉन्ग द कोस्टल कम्युनिटीज। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र में, और थ्रू इंडियन नेवी ये लॉन्च किया गया था नेवल डॉकयार्ड मुंबई में। कहां से कहां तक लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था अर्नाला फोर्ट नॉर्थ, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट फोर्ट है महाराष्ट्र का, टिल सिंधुदुर्ग फोर्ट जो कि सदर्न मोस्ट है महाराष्ट्र में, जिसने टोटल एरिया कवर किया है आपका 555 किलोमीटर। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो जा रहा है कि क्योंकि ये फर्स्ट ऐसी एक्सरसाइज है जो पहली बार इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया, इस तरह से एक अवेयरनेस कैंपेन को चलाया है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की इंपॉर्टेंस यहीं से बढ़ जाती है। सेकेंडली आपको जानना होगा कि कौन से एरिया से कहाँ तक ये कंडक्ट किया गया है, प्लस इसका जो कोस्ट लाइन कवर है जैसे 555 किलोमीटर, ये इतने एरिया को इसने कवर किया। तो कभी कभी रिटन एग्जामिनेशंस में बहुत ही स्पेसिफिक डायमेंशंस को या जो है आपके लॉन्गिट्यूड्स को पूछ लिया जाता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि यस 555 का एरिया डिस्टेंस जो है वो इस एक्सरसाइज ने कवर किया। एंड इट इज द फर्स्ट मोस्ट एक्सरसाइज जो इस तरह से एक प्रमोशन एक जो है आपका अवेयरनेस कैंपेन किया गया था कंडक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो जनवरी में कंडक्ट थी वो है इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत टू बी कमीशन बाय 2021। इससे पहले हमने बात किया था कि एलसीए की सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। अब एयरक्राफ्ट कैरियर जो आईएनएस विक्रांत है इसका कमीशन हो सकता है 2021 तक। ये फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि 2021 में कमीशन होगा। इसकी जो कंप्लीटिंग होगी दैट विल बी बाय सीएसएल कोची, एंड ये अंडर फेज थ्री में है। फेज थ्री डेवलपमेंट फेज में है जिसमें क्या होता है आपका बेसिकली सेटिंग टू वर्क ऑफ मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स, यानी जितने भी मोस्टली चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। फेज थ्री में इसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। ये फुली ऑपरेशनल होगा 2022 तक, एंड इसमें बेसिकली जो आपके एयरक्राफ्ट होंगे दैट विल बी MiG-29 एयरक्राफ्ट होंगे आपके। ठीक है, सो ये कमीशन 2021 में हो जाएगा मगर फुली ऑपरेशनल ये 2022 तक होगा। सो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है जैसे क्योंकि ये फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, सो अगेन ये एक इंपॉर्टेंस क्रिएट कर देता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, तो वहाँ पे आपको नाम पता होना चाहिए दैट यस इट इज आईएनएस विक्रांत। इसकी कंप्लीटिंग कहाँ हो रही है? अगेन मैन्युफैक्चरर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जामिनेशन लाइक एफकैट या आईनेट में स्पेसिफिक क्वेश्चन या स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर
अक्सर पूछ लिया जाता है, और कौन से एयरक्राफ्ट को भी कैरी करेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बाकी जो लोग इंटरव्यूज में अपेयर कर रहे हैं वो थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यूज में आपको थोड़ी सी और नॉलेज होना काफी जरूरी है। सो ये थे मेरे नोट्स डिफेंस अफेयर्स के जनवरी के लिए। नेक्स्ट सेक्शन में हम आएंगे जहाँ पे हम आगे के न्यूज़ को कंटिन्यू करेंगे पार्ट टू में। और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीबीएसई एफकैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.governmenttrackers.com अगर आपको इस तरह के डिफेंस नोट्स चाहिए जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक हो, रेलिवेंट हो, टू द पॉइंट हो, तो आप हमारी साइट पे आके वहाँ पे आप इन मटेरियल को अवेल कर सकते हैं। ऑल्सो आपके लिए फोरम है जहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती हैं सो यू कैन आस्क डायरेक्टली देयर। ऑल्सो फ्री मेंबरशिप अभी चल रही है, तो आप लोग फ्री मेंबरशिप को अभी अवेल कर सकते हैं, जिससे आगे चल के आपको काफ़ी बेनिफिट्स होने वाले हैं। सो इफ यू फाइंड द मटेरियल वैल्यूएबल प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड लेट इट रीच टू मिलियंस ऑफ डिफेंस एस्पायरेंट्स सो दैट वी कैन हेल्प देम। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।